हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूके कैंपस। आई एम सौरव और आज यूपीएससी ईपीएफओ के जनरल इंग्लिश के सीरीज को आगे लेकर चलेंगे। आज का हमारा टॉपिक है क्वेश्चन टैग। अगर आपने लास्ट ईयर के क्वेश्चंस देखे होंगे, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस अगर आपने देखे होंगे, तो किसी किसी ईयर में 3 से 4 क्वेश्चन डायरेक्टली क्वेश्चन टैग से पूछा जाता है। कॉमन एरर, जहां जिसको आप स्पॉट द एरर भी कहते हैं, उस वाले सेक्शन के अंदर। तो क्वेश्चन टैग क्या होता है, पहले मैं आपको ब्रीफ कर दूं। किसी भी स्टेटमेंट के लास्ट में एक छोटा सा क्वेश्चन ऐड कर देना या टैग कर देना, जस्ट टू गेट द कंफर्मेशन फ्रॉम द लिसनर, इसी को हम क्वेश्चन टैग बोलते हैं। आपने सुना होगा ही इज प्लेइंग, तो कहीं लास्ट में जुड़ा होता इजंट ही, तो ये इजंट ही क्या है, क्वेश्चन टैग है। चूंकि कंफर्मेशन चाहिए किससे, लिसनर से, जो आपकी बात सुन रहा हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन टैग। आपके मेमोरी को ब्रश अप करने के लिए मैंने कुछ छोटे छोटे एग्जांपल्स लिख दिए हैं, जैसे डू और नॉट मिलके डोंट बन जाता है, हैज नॉट हैजंट, इसी तरह डिड नॉट डिडंट बन जाता है, हैव नॉट हैवंट बन जाता है, इज नॉट इजंट बन जाता है, और वाज नॉट वाजंट बन जाता है। क्वेश्चन टैग में कुछ डिफरेंट क्वेश्चन टैग्स भी हैं, जैसे एम आई नॉट और आर नॉट, इन दोनों के लिए आरंट लिखा जाता है। बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को, ये कोई राइटिंग या स्पेलिंग एरर मैंने नहीं टाइप किया है, या एक ही चीज मैंने दो बार नहीं लिख दी है गलती से। बिल्कुल एम आई नॉट और आर नॉट, ये दोनों का आरंट से ही क्वेश्चन टैग बनता है। कहीं कहीं आपने गूगल पर या किसी बुक में एमन टैग भी लिखा देखा होगा एम आई नॉट की जगह, लेकिन वो अमेरिकन इंग्लिश है और अभी हम जो एग्जामिनेशन दे रहे हैं तो हम ब्रिटिश इंग्लिश को फॉलो करते हैं, इसीलिए एम आई नॉट का करेक्ट क्वेश्चन टैग क्या होगा, आरंट। ठीक है, सिमिलरली शैल नॉट बन जाता है शैंट और विल नॉट बन जाता है वोंट। ये थोड़े अलग थे बाकियों से, इसलिए मैंने डिफरेंट क्वेश्चन टैग्स के नाम से इसको देख लिया। चलिए अब हम इसके फॉर्मेट के बारे में जानते हैं। क्वेश्चन टैग जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं, एक अफर्मेटिव क्वेश्चन टैग होता है और एक निगेटिव क्वेश्चन टैग होता है। अफर्मेटिव क्वेश्चन टैग में ऑक्सिलियरी वर्ब, जिसको आप हेल्पिंग वर्ब के नाम से जानते हैं, साथ में सब्जेक्ट और एक क्वेश्चन मार्क होता है। और जब क्वेश्चन टैग हमारा नेगेटिव होता है तो ऑक्सिलियरी वर्ब के साथ में एन एपोस्ट्रॉफ टी, बहुत ध्यान दीजिएगा यहाँ एन ओ टी लिखा जाना गलत है, इसलिए एन एपोस्ट्रॉफ टी साथ में सब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क दिया जाता है नेगेटिव क्वेश्चन टैग के लिए। ठीक है, कुछ बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, पहले उसको डिस्कस कर लेते हैं फिर हम रूल्स स्टार्ट करेंगे। फैक्ट नंबर वन, फर्स्ट पॉइंट कहता है कि मेन वर्ब्स आर नॉट यूज टू फॉर्म क्वेश्चन टैग, मतलब सेंटेंस के अंदर जो एक्शन वाले वर्ब होंगे ईट रीड प्ले स्लीप, इन सब से क्वेश्चन टैग हमें नहीं बनाना है। क्वेश्चन टैग किससे बनाना है, तो सिर्फ और सिर्फ हेल्पिंग वर्ब से बनाना है, और हेल्पिंग वर्ब को ही हम ऑक्सिलियरी वर्ब के भी नाम से जानते हैं। ठीक है, तो इस बात का खास ध्यान रखिएगा कि हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलियरी वर्ब से ही क्वेश्चन टैग फॉर्म किया जाता है। पॉइंट नंबर टू, प्रोनाउन इज यूज्ड एज द सब्जेक्ट ऑफ द क्वेश्चन टैग नॉट नाउन। बिल्कुल ध्यान रखिएगा, मान लीजिए कोई सेंटेंस है कि सौरभ इज रीडिंग, तो अब आप बदले में इजेंट सौरभ नहीं पूछेंगे, आप पूछेंगे इजेंट ही, तो ही क्या है, प्रोनाउन है। तो ध्यान क्या रखना है कि जब भी हम कोई क्वेश्चन टैग बनाएंगे तो उस क्वेश्चन टैग का सब्जेक्ट जो होगा वो एक प्रोनाउन होगा, नाउन नहीं होगा। अभी नेक्स्ट रूल्स में हम लोग देखेंगे कैसे कैसे प्रोनाउन को हम सब्जेक्ट बनाते हैं क्वेश्चन टैग के अंदर। तब तक चलते हैं पॉइंट नंबर थ्री पे, टेंस कैन नॉट बी चेंज। तो ये ध्यान रखिएगा, कभी कभी एग्जामिनर आपको कंफ्यूज करने के लिए मेन स्टेटमेंट दे देगा पास्ट टेंस में और क्वेश्चन टैग दे देगा आपको प्रेजेंट टेंस में या फ्यूचर टेंस किसी भी और टेंस में। ठीक है, तो आपको क्या ध्यान रखना है कि जो मेन स्टेटमेंट है, जो मेरा स्टेटमेंट है, उसका जो टेंस होगा टैग भी उसी टेंस में होगा। अगर मेरा स्टेटमेंट पास्ट टेंस में है तो क्वेश्चन टैग भी पास्ट टेंस में होगा, और अगर मेरा स्टेटमेंट प्रेजेंट या फ्यूचर में है तो क्वेश्चन टैग भी प्रेजेंट या फ्यूचर में ही होगा। ठीक, देखते हैं पॉइंट नंबर फोर, और सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट यही है, इफ देयर इज नो ऑक्सिलियरी वर्ब, अगर आपके सेंटेंस में कोई हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलियरी वर्ब नहीं है, कहने का मतलब इज एम आर नहीं है, वॉज वर नहीं है, कैन कुड नहीं है, तो उन कंडीशंस में तीन चीजें हम यूज करते हैं, डू डज और डिड। आई रिपीट, If there is no helping verb in the sentence, अगर sentence में is, am, are, was, were, can, could नहीं है, तो हम क्या करते हैं? Question tag बनाने के लिए do, does और did का इस्तेमाल करते हैं। बिल्कुल इस बात को ध्यान रखिएगा, do और does हम लोग present tense के लिए लगाते हैं और did हम लोग past tense के लिए लगाते हैं, और इनके
यूसेस मैंने आपको टेंस वाले वीडियो में बना दिए हैं और वहां जाके आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो क्या आपका सबसे लास्ट स्टेटमेंट क्या था? इफ देयर इज नो ऑक्सिलरी वर्ब इन द सेंटेंस, डू डज डिड इज यूज्ड अकॉर्डिंग टू इट्स यूज, ठीक। अब इसका यूज क्या है, आगे जैसे जैसे सेंटेंसेस आते जाएंगे हम वैसे वैसे देखते जाएंगे। नाउ लेट्स स्टार्ट द रूल्स। फर्स्ट रूल है हाउ टू मेक क्वेश्चन टैग के अंदर, फर्स्ट रूल है कि द क्वेश्चन टैग ऑफ अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस आप जरूर समझते होंगे, जितने भी पॉजिटिव सेंटेंसेस होते हैं, जितने भी पॉजिटिव सेंटेंसेस होते हैं उन्हीं को हम अफर्मेटिव सेंटेंस कहते हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो पॉजिटिव सेंटेंस का जो क्वेश्चन टैग होगा वो निगेटिव होगा। क्या बोला मैंने कि अगर आपका सेंटेंस अफर्मेटिव है, पॉजिटिव है, तो उसका क्वेश्चन टैग क्या होगा, उसका क्वेश्चन टैग निगेटिव होगा। और इसका फॉर्मेट क्या हो जाएगा, ऑक्सिलियरी वर्ब प्लस एन अपोस्ट्रोफ टी और सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के ब्रैकेट ब्रैकेट में मैंने एपी मेंशन किया है और एपी का मतलब होता है एप्रोप्रिएट प्रोनाउन। एपी का मतलब होता है एप्रोप्रिएट प्रोनाउन और ये क्वेश्चन मार्क भी क्वेश्चन टैग के फॉर्मेट का हिस्सा है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो चलिए कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। ही राइट्स अ लेटर, ही राइट्स अ लेटर। अब सबसे पहली बात आपको चेक करना है कि यहाँ कोई हेल्पिंग वर्ब है तो वो तो नहीं है, तो हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो कौन सा टेंस है, प्रेजेंट टेंस है, और हमारा सब्जेक्ट क्या है, ही। तो ही अपने साथ वर्ब की फिफ्थ फॉर्म लेता है जिसके बदले हमें डज का यूज करना होगा, ठीक है। और पिछली ही स्लाइड में मैंने आपको बताया था कि जब हेल्पिंग वर्ब नहीं होगा तब हम क्वेश्चन टैग डू डज और डिड की हेल्प से बनाते हैं। तो यहाँ नहीं है तो प्रेजेंट टेंस और ही की वजह से यहाँ डज लिखना होगा, हमारा क्वेश्चन टैग हो गया डजंट ही, ठीक है। ही राइट्स अ लेटर, डजंट ही। He came here last night. Came आपका past tense हो गया, तो past tense के लिए क्या करना है, हमें did लगाना है। He came here last night का didn't he हो जाएगा। I am wrong. ये मैंने आपको बता दिया था कि amn't I नहीं होता, उसके बदले aren't I लिखा जाता है, और you are smart, aren't you? ठीक, ध्यान क्या रखना है कि am और are दोनों का question tag aren't से ही बनता है, ठीक है। अब हम चलते हैं rule number. The question tag of negative sentence is affirmative. बस इतना ही ध्यान रखिएगा कि positive sentence का question tag negative होता है और negative sentence का question tag affirmative होता है, मतलब positive होता है, और इसका format हो जाता है auxiliary verb plus subject और plus question mark, ठीक है। कुछ examples इनके भी देखे जाए। Bunny does not make a noise. तो आपको क्या देखना है, not लगा हुआ है, doesn't लगा हुआ है, इसका मतलब क्या है कि sentence negative है, तो इसका टैग क्या होगा, अफर्मेटिव हो जाएगा, पॉजिटिव, डज ही। हेल्पिंग वर्ब नहीं था तो डू डज डिड में जो होगा उसको आप यहाँ पे कॉपी कर देंगे, ठीक। सेंटेंस नंबर टू देखिएगा, यू हैव नॉट प्लेड वेल। अब आपके पास हैड हेल्पिंग वर्ब है, नॉट लगा हुआ है, तो पॉजिटिव क्वेश्चन टैग क्या हो जाएगा, हैड यू, ठीक है। वी डिड नॉट टेल अ लाई, डिड दिया हुआ है, चूंकि इसके पास हेल्पिंग वर्ब नहीं था इसलिए इसने डिड लगाया, तो हम भी डिड को कॉपी कर देंगे, और नॉट था मतलब सेंटेंस निगेटिव था, हमारा यहाँ टैग हो जाएगा डिड वी, ठीक है। अब देखिए, शी वॉज नॉट लेजी वॉज शी, ठीक, हमारे पास हेल्पिंग वर्ब है वॉज, हमने वॉज और प्रोनाउन शी पुट कर दिया जिससे हमारा क्वेश्चन टैग अफर्मेटिव बन गया वॉज शी, ठीक। देखते हैं रूल नंबर थ्री। अब रूल नंबर थ्री क्या कहता है, देखिएगा, सिर्फ नो और नॉट लगाने से सेंटेंस निगेटिव नहीं होता, इसलिए रूल नंबर थ्री मेंशन करना बहुत जरूरी था। सेंटेंसेस हैविंग नेगेटिव वर्ड्स लाइक, और सेंटेंस में नीदर हो, नॉट हो, नो हो, नेवर, नो वन, नो बडी, फ्यू, लिटल, हार्डली और स्कार्सली हो, ये प्लीज डू मेमोराइज दीज वर्ड्स, वरना बहुत कंफ्यूजन होता है इसके अंदर, है ना, क्योंकि आपको देखने से लगता है कि ये सेंटेंस अफर्मेटिव है लेकिन वो होता निगेटिव में, क्योंकि ये वर्ड्स जो है उस सेंटेंस को निगेटिव बना देते हैं, ठीक है। तो ये वर्ड्स क्या है, आर कंसिडर्ड एज नेगेटिव सेंटेंसेस, मतलब जिन सेंटेंसेस में ये वर्ड्स होंगे उनको हम नेगेटिव सेंटेंस मानते हैं, और जब सेंटेंस हमारा नेगेटिव हो गया तो क्वेश्चन टैग क्या होगा, अफर्मेटिव होगा, और अफर्मेटिव का फॉर्मेट क्या होता है, ऑक्सिलरी वर्ब प्लस सब्जेक्ट और प्लस इंट्रोगेशन का साइन, दैट इज क्वेश्चन मार्क, ठीक है। कुछ एग्जाम्पल्स देखिएगा, यू सेल्डम गो टू पार्टीज। अब देखो, देखने से ये सेंटेंस अफर्मेटिव लग रहा है लेकिन सेल्डम का मतलब होता है नहीं के बराबर, है ना, तो नहीं के बराबर मतलब क्या होगा कि अब इस सेल्डम ने इस सेंटेंस को निगेट कर दिया, तो इसका क्वेश्चन टैग क्या हो गया, अफर्मेटिव बन गया, डू यू। नीदर ऑफ अस हेल्प यू, अब नीदर की वजह से सेंटेंस निगेट हो गया, तो आपका क्वेश्चन टैग क्या हो गया, डिड वी, मतलब पॉजिटिव क्वेश्चन टैग है। शी हार्डली सेड अ वर्ड,
ठीक है, तो हार्डली क्या है, नेगेटिव वर्ड है, सेंटेंस को नेगेटिव बना रहा है, तो हमारा क्वेश्चन टैग अफर्मेटिव यानी पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, एक छोटा सा इसमें नोट मैंने मेंशन कर दिया है, ये दो वर्ड से देखिए, फ्यू और लिटिल, ये दोनों नेगेटिव होते हैं, लेकिन अ फ्यू और अ लिटिल जो होता है ये पॉजिटिव होता है। तो जब किसी सेंटेंस में फ्यू और लिटिल होगा तो उसको आप नेगेटिव मानिएगा और क्वेश्चन टैग पॉजिटिव होगा, और अगर किसी सेंटेंस में अ फ्यू और अ लिटिल होगा तो वो सेंटेंस पॉजिटिव माना जाएगा और उसका टैग नेगेटिव होगा। तो एग्जांपल्स भी आपके लिए डाल दिया मैंने, आई हैव अ लिटिल मनी, अ लिटिल मनी का मतलब मैं बिल्कुल जीरो नहीं हूँ, थोड़े पैसे हैं मेरे पास, तो इसका क्या हो जाएगा, सेंटेंस पॉजिटिव हो गया तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव हो गया, हैवंट आई। सिमिलरली आई हैव रेड अ फ्यू बुक्स, मतलब कुछ किताबें मैंने पढ़ी है, भाई ऐसा नहीं कि बिल्कुल भी कोई किताब नहीं पढ़ी, तो ये पॉजिटिव सेंटेंस है तो क्वेश्चन टैग क्या हो गया, हैवंट आई। ठीक, तो ध्यान क्या रखना है कि नेगेटिव सेंटेंस का क्वेश्चन टैग पॉजिटिव होगा और किन किन वर्ड्स की वजह से सेंटेंस नेगेटिव होता है ये मैंने बता दिया, और आपका सेंटेंस अगर पॉजिटिव होगा तो क्वेश्चन टैग आपका नेगेटिव होगा। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट रूल। अब नेक्स्ट रूल आपका कहता है कि द क्वेश्चन टैग ऑफ अफर्मेटिव इंपेरेटिव सेंटेंस, जस्ट होल्ड ऑन फॉर अ सेकेंड, पहले ये समझ लीजिएगा कि इंपेरेटिव सेंटेंस क्या होता है। जिन सेंटेंसेस से आपको कमांड या किसी को एडवाइस देना हो या किसी से कोई आपको रिक्वेस्ट करनी हो, तो जिन सेंटेंसेस से आपको कमांड, एडवाइस या रिक्वेस्ट वाली फीलिंग आए उसी को हम इंपेरेटिव सेंटेंस कहते हैं। और एक बात और ध्यान रखिएगा, इंपेरेटिव सेंटेंसेस में सब्जेक्ट मेंशन नहीं किया रहता है। आई रिपीट, इंपेरेटिव सेंटेंसेस में सब्जेक्ट मेंशन नहीं किया रहता है। ठीक है, चलिए अब आगे पहले रूल पे आ जाते हैं। द क्वेश्चन टैग ऑफ अफर्मेटिव इंपेरेटिव सेंटेंसेस इज विल यू एंड वॉन्ट यू, मतलब आपके पास अगर कोई इंपेरेटिव सेंटेंस है, पॉजिटिव इंपेरेटिव सेंटेंस है, तो आप विल यू वॉन्ट यू किसी से बना सकते हैं, और अगर निगेटिव इंपेरेटिव सेंटेंस होगा तो सिर्फ विल यू से बनाइएगा। ठीक है, चलिए देखिएगा सेंटेंस, स्विच ऑन द फैन। अब देखो यहाँ कोई सब्जेक्ट नहीं है लेकिन लग रहा है ना कि सामने वाले को ऑर्डर दिया गया है, स्विच ऑन द फैन, विल यू मतलब आपने किसी को बोला तो क्या पूछेंगे, अरे फैन ऑन करोगे, या आपने उसी को बोला स्विच ऑन द फैन, तो आप ये भी पूछ सकते हैं वोंट यू, मतलब करोगे इज विल यू, और करोगे कि नहीं करोगे इज वोंट यू, ये ध्यान रखिएगा। प्लीज गिव मी सम मनी, विल यू, किसी से आप पैसा मांग रहे हैं तो क्या होगा, या तो वो देगा या तो नहीं देगा, तो वही आप पूछेंगे यार दोगे, जब आप पूछना चाहेंगे दोगे तो इट इज विल यू, नहीं दोगे क्या, इट इज वॉन्ट यू। ठीक, तो मतलब पॉजिटिव इंपेरेटिव सेंटेंसेस की क्वेश्चन टैग विल यू और वॉन्ट यू दोनों से बनाए जाते हैं, और अगर यहाँ पे निगेटिव होता, निगेटिव इंपेरेटिव सेंटेंस, तब आप सिर्फ विल यू से बनाते। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट रूल की तरफ। अब आपका फिफ्थ रूल कहता है कि इफ द इंपेरेटिव सेंटेंस स्टार्ट्स विद, अब दो चीजें हैं, लेट अस और लेट्स, वैसे ये दोनों एक ही चीज है ऑलमोस्ट। ठीक है, तो कोई भी इंपेरेटिव सेंटेंस अगर लेट अस या लेट्स से स्टार्ट हो और वो क्या करे, एडवाइस या कोई सजेशन दे, वो क्या करे, एडवाइस या कोई सजेशन देगा, तो उसका जो क्वेश्चन टैग होगा वो शैल वी से बनेगा। बात आई समझ में, कोई भी सेंटेंस अगर लेट अस या लेट्स से स्टार्ट होकर सजेशन या एडवाइस देगा तो उसका क्वेश्चन टैग आप किससे बनाएंगे, शैल वी से। ठीक, जैसे लेट अस डांस टुगेदर, शैल वी, ठीक है, और लेट्स डू दिस वर्क, शैल वी। तो ध्यान क्या देना है, या तो लेट अस से स्टार्ट हो या लेट्स से स्टार्ट हो, तो दोनों का क्वेश्चन टैग शैल वी से बन जाएगा। ठीक है, चलते हैं अपने नेक्स्ट रूल की तरफ। अब आपका रूल नंबर सिक्स कहता है कि इफ द इंपेरेटिव सेंटेंस स्टार्ट्स विद, अब देखिए क्या है, कोई इंपेरेटिव सेंटेंस अगर लेट मी से स्टार्ट हो या ये लेट हिम से स्टार्ट हो, लेट हर से स्टार्ट हो, लेट देम से स्टार्ट हो, या इस लेट के साथ कोई भी नाम दिया रहे, एनी नेम, ठीक है, अगर कोई इंपेरेटिव सेंटेंस लेट मी, लेट हिम, लेट हर, लेट देम या किसी नाम, एनी गिवन नेम हो लेट के साथ, तो क्या होगा, तो हमें सिर्फ विल यू से अपना क्वेश्चन टैग बनाना है, किससे बनाना है, विल यू से। ठीक है, जैसे लेट मी डू दिस वर्क, अब लेट मी है तो लेट मी डू दिस वर्क, विल यू मतलब तुम मुझे काम करने दोगे। सिमिलरली लेट देम डू देयर वर्क, मतलब उनको तुम काम करने दोगे, तो यहाँ भी विल यू और यहाँ भी विल यू से क्वेश्चन टैग बना। और एक नेम मैंने ऐड कर दिया, लेट सौरव वॉच टीवी, तो विल यू, क्या तुम सौरव को टीवी देखने दोगे, दोगे या नहीं दोगे। ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स थे
जो क्वेश्चन टैग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। मैं इसके ठीक बाद आपको इनके कुछ क्वेश्चन भी प्रैक्टिस कराऊंगा, जिसमें कुछ PYQs भी होंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी होंगे। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई और अगर आपको ये क्वेश्चन टैग का टॉपिक इन्फॉर्मेटिव लगा, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। एटलीस्ट उन फ्रेंड्स को तो जरूर भेजें जो EPFO इस बार अटेम्प्ट करने जा रहे हैं, उनको बहुत मदद मिलेगी। एंड टिल देन डू सब्सक्राइब द चैनल। स्टे ट्यून्ड टू UK कैंपस। थैंक यू।